अयोध्या में बन रहा राम मंदिर पूरी दुनिया भर में चर्चित है और आपको पता ही होगा कि 22 जनवरी 2024 को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा है। लेकिन आपको पता है कि इस भव्य मंदिर का अस्तित्व आने वाले कई लाखों सालों तक गुंजेगा, जिसकी वजह है टाइम कैप्सूल। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये टाइम कैप्सूल होता क्या है और कैसे ये टाइम कैप्सूल आने वाले हजारों सालों तक मंदिर का इतिहास दर्शाएगा। तो आइए जानते हैं कि ये टाइम कैप्सूल क्या है और ये काम कैसे करता है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। दोस्तों, हमें खोदकाम के दौरान कई ऐसी प्राचीन और इतिहास की वस्तुएं जमीन के अंदर से मिलती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि ये वस्तुएं कितनी पुरानी हैं और यहाँ प्राचीन समय में क्या हुआ करता था, इसका पुख्ता सबूत नहीं मिल पाता। लेकिन ये टाइम कैप्सूल एक ऐसा डिवाइस है जो आज के दुनिया से जुड़ी जानकारी भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को देती है। इसका मतलब ये है कि ये डिवाइस किसी खास समय की फोटो, पत्र या फिर किसी देश का इतिहास बताना हो तो ये डिवाइस उसको सुरक्षित रखती है। जैसे कि कोई 2024 के दौर से जुड़ी जानकारियों को आने वाले हजारों सालों बाद लोगों तक पहुंचाना चाहता हो तो ये टाइम कैप्सूल डिवाइस का इस्तेमाल कर सकता है। टाइम कैप्सूल एक तरह का छोटा कंटेनर यानी एक बॉक्स होता है जो तांबे का मिश्र धातु या फिर स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है, जो हजारों सालों तक मिट्टी में दबे रहने पर भी सड़ता या गलता नहीं है। आपको बता दे कि टाइम कैप्सूल शब्द का प्रयोग पहली बार 1937 में किया गया था। हालांकि इस बॉक्स का इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है। दुनिया का सबसे पुराना टाइम कैप्सूल सैमुअल एडम्स स्टेट हाउस में रखा था, जिसे 1795 में बनाया गया था। इसे अब तक का दुनिया का सबसे पुराना टाइम कैप्सूल माना जाता है। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है बल्कि स्पेस में भी हमारे इतिहास को भेज रहे हैं। जैसे कि लूनार लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, जिसमें 30 मिलियन पेज की जानकारी एक नैनो डिवाइस में पृथ्वी के रिलेटेड मानव जाति की सभी जानकारी, इतिहास, वीडियो, फोटो, पत्र, इजराइल के सारे कल्चर के बारे में एक नैनो डिवाइस में डालकर उसे अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया है, जिसे लूनार लाइब्रेरी का नाम दिया गया है। जब कभी भविष्य में मानव इतिहास पूरी तरह से खत्म हो जाए और पृथ्वी पर फिर से मानव की उत्पत्ति होगी तो उन्हें पता रहे कि इतिहास में हम लोग भी रहते थे और हमारे इतिहास के बारे में उन्हें पता चले। भारत और दुनिया भर में कई टाइम कैप्सूल को जमीन में गाढ़ा गया है। 15 अगस्त 1973 को लाल किले में इंदिरा गांधी ने 32 फीट नीचे टाइम कैप्सूल दबाया था, जिसे कालपत्र का नाम दिया गया था, जिसमें आजादी की लड़ाई कैसे लड़ी थी और हमारा देश कैसे आजाद हुआ, जिसके बारे में लिखा गया था। लेकिन बाद में कुछ पॉलिटिशन इशू के चलते 1970 में मोरारजी देसाई की सरकार आने के बाद इसे बाहर निकाल लिया गया था। आईआईटी कानपुर में 2010 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने टाइम कैप्सूल को जमीन के अंदर डाला था। इस टाइम कैप्सूल में आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स और शिक्षकों से जुड़ी जानकारियां और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की चीजें जैसे कि स्मार्टफोन, स्टॉपवॉच, कंप्यूटर हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, पेन ड्राइव जैसी वस्तुएं इसमें डाली गई थी। और ऐसे ही टाइम कैप्सूल राम मंदिर के गर्भगृह में 200 फीट नीचे रखी गई है, जिसमें संस्कृत भाषा में मंदिर का पूरा इतिहास, श्री राम जी के बारे में, मंदिर को कब बनाया, किसने बनाया, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसी मंदिर की सारी जानकारी ताम्र पत्र में लिखी गई है, ताकि भविष्य में हजारों लाखों सालों बाद ये कैप्सूल जिसको भी मिले तो उन्हें अयोध्या और राम मंदिर के पूरे इतिहास के बारे में पता चले। यह थी जानकारी कि टाइम कैप्सूल क्या है और इससे होता क्या है। दोस्तों, आप भी मेरी तरह राम भक्त हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।